stay tuned. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So, आज मैं अपना vanity organize करने वाली हूँ और साथ साथ vanity tour भी देने वाली हूँ. So guys, please मुझे थोड़ा सा avoid करना. मैंने hair oiling कर रखी है क्योंकि सफाई करते time of course गंदे हो जाना ही है. अरे तो ये अच्छी नहीं है क्या तुम्हारे पास कोई? लक्ष्मी हमने ये पुरानी रिंग लाइट निकाली है और फिर इसको हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये ट्राइपॉड है इसका ऊपर का जो स्टैंड है ये टूट गया. ये रहा, इसमें फोन सेट होगा और ये रुक नहीं रहा है तो हम वीडियो शुरू करने की सोच रहे हैं पर होगा कैसे. तो ऐसा कुछ हो रहा है बट एनीवेज ट्राइंग. फाइनली जैसे तैसे सेटअप करके हमने सामान निकालना शुरू किया वैनिटी को एकदम क्लीन करने के लिए. सारा सामान उसमें से नीचे पहले हम लोगों ने रख लिया और उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या चीज़ें निकालनी है और क्या रखना है. सो फाइनली सामान नीचे निकाला. अब नीचे वाले ड्रॉर्स में से मैं सामान निकाल रही हूँ सारा. ओह माय गॉड, इतना मैस हो गया था गाइस, आई कांट टेल यू. उसको देख के ही मुझे चक्कर आने लग गए और हमें भूख लगने लग गई उस सामान इतना देख के ही. तो हमने साथ में डोमिनोज से पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था और बहुत फन चल रहा था इस टाइम पे. सो गाइज, मैंने यहाँ पे सामान फैला लिया है. अभी इसमें से छाटेंगे, छाटने के बाद इनको बास्केट्स में रखेंगे कि जितना भी लिपस्टिक्स है, मस्कारा, आईलाइनर, वो सब चीज़ें वहाँ पे. स्किन केयर रखा है सारा. यहाँ पे बॉडी लोशंस वगैरह है, ब्रशेस हैं और भी काफ़ी सामान है बट क्या क्या है अभी देखना पड़ेगा. सो ठीक है. और यहाँ पे मैंने सारे अपने ज्वेलरीज को एक साइड में रख दिया है, फिर बाद में ज्वेलरीज भी देखेंगे बट क्योंकि अभी इतना ऑलरेडी फैल चुका है तो पहले यहाँ पे ये सफाई करते हैं. जितना एक्सपायर हो गया होगा वो मैं निकाल दूंगी और जो बचा होगा उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद वैनिटी में रखेंगे. और यहाँ हमारा पिज्जा भी आ चुका था तो हम तीनों यहाँ पे अपना पिज्जा भी एंजॉय कर रहे थे साथ साथ. A few hours later. तो गाइस फाइनली रात हो चुकी है, वैनिटी का काम करते करते बहुत देर हो गई है. अभी मैंने नहाया है. ओके, तो फाइनली वैनिटी भी ऑर्गेनाइज अच्छे से हो चुकी है. चलिए मैं आपको एक क्विक टूर दे देती हूँ वैनिटी का. सो लेट्स सबसे पहले मैं लेफ्ट से स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे मैंने कर्टेंस लगा रखे हैं टू मेक अनदर बैकग्राउंड एज वेल. उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्लांटर रखा हुआ है, सबसे बड़ा प्लांटर है. इसी के साथ मैंने लाइट लगाई हुई है. उसके ठीक पीछे है योगा मैट जो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. ओके, यहाँ पे है मेरी वैनिटी और उसके ठीक नीचे मैंने रखा हुआ है रग. ओके, तो यहाँ वैनिटी में सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे एक वास है, इसके ऊपर दो फ्लावर्स मैंने लगा रखे हैं दो कलर के जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है. यहाँ मेरे सारे मेकअप ब्रशेस हैं, साथ में मैंने यहाँ कैंडल लगाया हुआ है जो कि कभी कभी जलती है. ओके, इसके साथ में एक मेरे पास बॉक्स था, उस बॉक्स के ढक्कन को, एक्चुअली उस बॉक्स के कवर को ही मैंने एक प्लेट बनाई है जिसके ऊपर मैंने अपने परफ्यूम्स रखे हैं. और ये बैम्बू प्लांट है, साथ में ये गणेश जी का स्टैचू है जो कि एक स्टैचू के साथ साथ सिंदूर भी है. और इसके बाद है यहाँ पे छोटे से बुद्धा जी. वैनिटीज को ओपन करने से पहले थोड़ा सा ऊपर का भी देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने शेल्फ लगा रखे हैं, तीन शेल्फ है ये. तो यहाँ शेल्फ में सबसे ऊपर में मैंने स्टैचू रख रखा है, फिर दूसरे में एक वास है और बुद्धा जी रखे हुए हैं. तीसरे वाले में भी सेम थोड़ा सा ऐसे स्टफ़ रखा हुआ है विच इज़ रैंडम स्टफ़. उसके बाद मैंने यहाँ फेक लीव से सिर्फ डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे और साथ में मैंने लाइट्स लगा रखी है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ओके जी, तो अब वैनिटी के ड्रॉर्स की तरफ चलते हैं.
जैसा कि मैंने बताया इसमें 6 ड्रॉर्स हैं और एक सातवां ड्रॉर है जो कि सबसे बड़ा है। तो सबसे हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रॉर के अंदर मैंने यहाँ अपना 4 कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं जिसमें मैंने इंडिविजुअल सामान नहीं रखा हुआ है। एक्चुअली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक साथ करके वो रख दिया है। जैसे कि पूरा बेस मेकअप इसमें है, बेस मेकअप एज इन फाउंडेशंस, कंसीलर्स, लूज पाउडर, मेकअप फिक्सर, इल्यूमिनेटिंग क्रीम। तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है तो इसको मैंने एक साथ रख दिया है। उसके बाद इस सेकेंड वाली बास्केट में ये सारे लिपस्टिक्स हैं, लिपस्टिक ब्रशेस और बुलेट लिपस्टिक मैंने एक साथ रखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ थर्ड में है ये कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स जो मुझे रेगुलर यूज़ में लगते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे सारा आईज का स्टफ़ है जैसे कि मस्कारा, आईलाइनर, आईब्रोज और या इतना ही लगता है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ ब्रशेज जो कि मैंने मिनीसो से परचेज किए थे, अभी उसका बॉक्स मैंने फेंका नहीं है। बाद यहाँ पे ये मिरर रखे हुए हैं मैंने। फिर यहाँ पे मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं, ये सारे पाउडर आई शेडोज़ हैं और ये लिक्विड आई शेडोज़ हैं जो मैंने एक साथ स्टोर करके रखे हुए हैं। तो ये है फर्स्ट ड्रॉर जिसके अंदर सारा मेकअप का सामान है। इसके बाद बढ़ते हैं यहीं से सेकेंड ड्रॉर में। ड्रॉर के अंदर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपने सारे मॉइस्चराइजर्स, जितने भी मेरे मॉइस्चराइजर्स हैं और सीरम्स हैं वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे ये कोम्ब और सीरम रखा हुआ है। वो पीछे ब्लू बॉक्स में मेरे एक्स्ट्रा ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं, इसमें मेरी कुछ बिंदियाँ रखी हुई है। फिर यहाँ पे ये मेरा लोशन है, बॉडी लोशन, ये एक ग्लास है, बहुत सुंदर लगता है और ये मैंने पता नहीं कहाँ से ख़रीदा था। एक्चुअली कैंडल था जो कि ख़त्म हो गया है तो अभी ये बस रखा हुआ है। कुछ ना कुछ इसमें रख लिया जाता है, जैसे कभी रिंग उतार के रख दिया या कभी इयर रिंग्स वगैरह होता है, छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती है तो वो मैं इसके अंदर स्टोर करके रख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सारे ऑयल्स हैं, कुछ जैसे कि बादाम का तेल है और नारियल का तेल है, हेयर ऑयलिंग करने के लिए हैं, बेबी जॉनसन्स ऑयल है जिससे मेकअप रिमूव भी किया जाता है, तो ये कुछ ऑयल है यहाँ पे। उसके बाद ये भी बॉडी लोशन है, ये डिओड्रेंट है एक, उसके बाद एलोवेरा जेल है, उसके बाद ये भी एलोवेरा जेल है, उसके बाद ये सनस्क्रीन है। तो इसमें बेसिकली मैंने स्किन केयर रखा हुआ है, स्किन केयर रेजिन जो मुझे रेगुलर में लगता है, मॉइस्चराइज़र, ऑयलिंग, सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल, हेयर कॉम्बिंग, तो वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखी हुई है। अब वापस यहीं से नीचे इस वाले ड्रॉर में चलते हैं। उसके बाद है ये थर्ड ड्रॉर में मैंने अपना सारा स्किन केयर रखा हुआ है जैसे कि इसमें ये वाइप्स है, मेकअप रिमूविंग वाइप्स हैं। इसके अंदर ये बॉक्सेस है जिसमें मुल्तानी मिट्टी, ओट्स का पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, चावल का आटा, वाइल्ड टर्मरिक है कस्तूरी। उसके बाद ये स्क्रब है, ये एक्स्ट्रा लोशन है, उसके अंदर आ नहीं रहा था तो मैंने इसमें रख दिया। उसके बाद ये कुछ शीट मास्क है, ये ब्लीच है और फेशियल किट। ओके, ये फेशियल किट है और ये ब्लीच है इसके अंदर, और ये मेरा स्क्रबर है जो मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था। रिव्यू बनाया है शॉर्ट में, अगर अब तक आपने देखा नहीं तो उसको देख लेना। ओके जी, तो बेसिकली ये सारा स्किन केयर है, इसमें सारा रैंडम स्टफ ही रखा हुआ है, जैसे कि ये क्या है, एवर यूथ का ऑरेंज पील मास्क है, उसके बाद ये विटामिन ई की कैप्सूल है जो DIYs में बनाती रहती हूँ, ये उस सब का सामान है, तो उसका भी मैंने एक अलग से स्टोर किया हुआ है ताकि ईजी हो जाए, मिल जाए आराम से, जब भी आपको बनाना हो वीडियो तो ईजिली मुझे सब चीज़ें मिल जाए, तो इसलिए मैंने उसका एक अलग से सेपरेट ड्रॉर बनाया है। इस फोर्थ ड्रॉर की बात करते हैं, इसमें सारा हेयर केयर का सामान रखा हुआ है, जैसे कि हेयर ड्रायर, हेयर स्प्रे, हेयर क्लिप्स, इसके अंदर भी हेयर क्लिप्स हैं, ये जितने भी हमें पीछे बन बनाने के लिए लगता है हेयर को, वो सब स्टफ है इसके अंदर। इसमें सारे हेयर क्लिप्स हैं, छोटे छोटे क्लिचर्स जो क्यूट लगते हैं काफ़ी, तो ये वो सब है। इसमें टिक टैक पिंस है सारी, और इसमें क्या है, ओके, ये सारे रबर बैंड्स हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हैं ताकि मुझे इजीली सामान मिल जाए। ये कुछ स्टफ़ है जिसकी मुझे एक्चुअली वीडियो भी बनानी है। उसके बाद इस पाउच में मिनी स्टफ है सारा हेयर केयर का, तो एक ड्रॉर भी स्पेशली डेडिकेटेड है हेयर केयर के लिए। उसके बाद आते हैं फिफ्थ ड्रॉर पर,
ये फिफ्थ ड्रॉअर के अंदर है मेरी आई लैशेज। ये डब्बा बड़ा है काफ़ी, तो इसलिए इसको अलग से जगह चाहिए होती है रखने के लिए। उसके बाद नीचे हैं इसमें ज्वेलरीज हैं मेरी, इसके अंदर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज हैं। मैं रेगुलर यूज़ में एक्चुअली ज्वेलरीज वेयर करती हूँ, तो इसके अंदर वो है। इस बॉक्स के अंदर सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज हैं और इसके अंदर भी सारी ईयरिंग्स है, ईयरिंग्स चेन रेगुलर वेयर में मुझे लगते हैं, वो सारे स्टफ़ मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। साथ में वो कुछ कैंडल्स हैं तो वो मैंने इसमें रख दिया है जगह की कमी होने के कारण, तो ये वापस इसमें मैं रख देती हूँ। इसमें सिर्फ इतना ही सामान है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सिक्स्थ ड्रॉअर की। इसके अंदर सारा नेल्स का स्टफ़ है। इस वाली बास्केट के अंदर मैंने नेल्स रखे हुए हैं। ये नेल पेंट है मेरे, ये भी नेल पेंट है, ये भी नेल पेंट है, ये फेक नेल्स हैं जो नेल आर्ट करने के लिए लगते हैं, तो घर पर ही नेल आर्ट कर लेते हैं, तो ये फेक नेल्स मैंने परचेज़ किए हुए हैं कुछ एक दो। एज सच मुझे ज़्यादा इसका शौक नहीं है। पेंट रिमूवर है, इसके अंदर फिंगर को डिप करके नेल पेंट ईजिली रिमूव हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं, इसमें मेरा माइक रखा हुआ है जो मैं माइक यूज़ करती हूँ वीडियोस में। इसके अंदर कुछ रैंडम स्टफ़ है, इसके अंदर भी कुछ रैंडम स्टफ़ है। इसके अंदर सिंदूर है और इसके अंदर मेरी कुछ बिंदियाँ हैं जो कि जगह नहीं होने के कारण इधर ही मैंने स्टोर करके रख दिया है। तो ये ड्रॉअर भी फिनिश होता है। ओपन करते हैं ये लास्ट ड्रॉअर। इसके अंदर कुछ चूड़ियाँ हैं और ये मेरे कुछ क्लचेस हैं फ़िलहाल जो इसी में पड़े थे, जो मैंने आज रख दिए हैं सेट करके। और इसके अंदर मेरी कुछ और ज्वेलरीज हैं जैसे कि झुमकी वगैरह, आई थिंक इसमें सारी झुमकियाँ ही हैं जो सिंगल पेयर होते हैं, तो ये वो है झुमकियाँ। उसके बाद ये मेरा हल्दी का है सारा सामान, मेरी शादी का हल्दी का और मेहंदी का ज्वेलरीज हैं। इसमें ब्राइडल ज्वेलरी है और ये हेडबैंड है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने इतना ही ज्वेलरी रखी हुई है। अगर आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना हो गाइस, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा वैनिटी टूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की और वीडियोज देखना पसंद है, ताकि मैं उस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।